मादक पदार्थ विक्रेता पुलिस के हत्थे चढ़ा। सकरदरा थाने में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से एमडी नकदी और दो पहिया वाहन जब्त किया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी निखिल दिलीप राव गायकवाड़ 33 वर्ष सेनापति नगर दिघोरी निवासी है। गुरुवार की रात करीब 7:45 बजे के दौरान संबंधित थाने के दस्ते को गश्ती के दौरान गुप्त जानकारी मिली कि निखिल नशीला पदार्थ एमडी बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में है। इसके लिए उसके दो पहिया वाहन का नंबर MH49BC2515 भी पुलिस को बता दिया गया था। बरामद नंबर का वाहन देखते ही पुलिस ने निखिल को घेर लिया और उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 2 ग्राम 220 मिलीग्राम एमडी, 1000 रुपए नगद और दो पहिया वाहन सहित कुल 66000 रुपए का माल जब्त किया गया है। हाँ, हमने कल गुप्त हमको कल सूचनाएं मिली थी, ये आरोपी इसी जगह पे ऐसे ऐसे जिसको एमडी बोलते हैं, मेफेड्रोन बोलते हैं, वो शाम के समय रहने वहाँ से बेचता है करता है, ऐसी गुप्त जानकारी हमें पहले ही हासिल थी। हम उस पर नज़र रखे हुए थे, हमारे नार्को मोबाइल के साथ हमने वहाँ पर जाल बिछाया था और उसको पकड़े। उसके पास से 2.200 मिलीग्राम मेफेड्रोन एमडी मिली है। उसके बाद हमने उसको राधा रमन नगरी जो है ना, उसके पास वो मिला है, उसको हमने पुलिस स्टेशन लाए और रजिस्टर उसके ऊपर कार्रवाई की। उसका पुराना रिकॉर्ड है आरोपी का, उसके ऊपर पहली जुबे के 1-2 केस चालू है, आर्म्स के केस चालू है उसके ऊपर, और उसका पुराना रिकॉर्ड तो है ही, और उसके ऊपर से उसको हमने कहाँ से लाया है ये माल और किस किस को बेच रहा था, इसके लिए हमने अभी कोर्ट से PCR लिया है। उसका PCR लेने के बाद वो जानकारी हासिल करने वाले हैं। आरोपी का पूरा नाम है निखिल दिलीप राव गायकवाड़, उम्र 33 साल, रहना सेनापति नगर, प्लॉट नंबर 78, दिघोरी नाके के पास ये रहता है, और इसका ज़्यादा काम करने का इसी एरिया में है, यानी चामट चक्की चौक राधा रमन किराना स्टोर के सामने, दिघोरी चौक शीतला माता मंदिर के पास। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।